पहली बार आजादी के बाद बिलासपुर संसदीय सीट से माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है ही है, मेरे परिवार के लिए भी है। सर, हमने आपका इंटरव्यू इससे पहले भी लिया था और हम जब आप मंत्री बनने से पहले आपको एक बात कही थी कि आप मंत्री बनोगे, तो हमारे चैनल के लिए एक दो शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। बीजेपी सांसद तोखन साहू का जन्म 15 अक्टूबर 1969 को ग्राम डिंडोरी, जिला मुंगेली में हुआ। उनकी पत्नी का नाम लीलावती साहू है। तोखन साहू ने MCOM की पढ़ाई की है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। उन पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। साल 1994 में उनका सियासी सफर शुरू हुआ। इस दौरान वह लोरमी ब्लॉक के सूरजपुरा गाँव के पंच चुने गए थे। वह बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साल 2013 में तोखन साहू पहली बार विधानसभा गए। इसके बाद साल 2014-15 में तोखन साहू महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति एवं प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद वह साल 2015 में छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव भी रहे। बता दें कि साल 2018 में बीजेपी ने उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां उन्हें कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने हरा दिया। आइए जानते हैं तोखन साहू के मंत्री बनने के पीछे की कहानी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके मंत्रिमंडल में बिलासपुर से तोखन साहू को भी जगह मिली है। इसके बाद भाजपा में कहीं खुशी तो कहीं गम है। साहू समाज से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने साहू समाज के सिर्फ एक प्रत्याशी को ही मौका दिया। वह नाम था तोखन साहू का। इससे पहले साल 2014 और 2019 में साहू समाज के दो नेताओं को टिकट दिया गया था। जब एक ही नेता को टिकट मिला तो साहू समाज एकजुट होने लगा और भाजपा के खिलाफ रणनीति तैयार की जाने लगी। दुर्ग में साहू समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष टहल सिंह साहू भी शामिल थे। भाजपा के साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेता, जिसमें मौजूद उप मुख्यमंत्री अरुण साहु भी शामिल हैं, इस बैठक में पहुंचे। बैठक में कांग्रेस के सभी साहू समाज के नेता पहुंचे, जिसमें ताम्रध्वज साहू, धनेंद्र साहू जैसे नाम शामिल हैं। समाज के लोगों ने यह तक कहा कि हमारे समाज से एक ही टिकट देकर भाजपा ने हमारा अपमान किया है। इस बैठक में मौजूद समाज के नेता ने बताया कि पदाधिकारियों के बीच तय किया गया कि साहू समाज के लोग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में सियासी रेस बिना साहू समाज के सपोर्ट के जीतना बहुत ही मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को भर भर कर इस समाज से वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो समाज ने वोट की जगह चोट देने की ठान ली थी। प्रदेश में हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज का दबदबा है। इसे देखते हुए भाजपा ने फौरन अपने कुछ नेताओं को, जिनकी अच्छी पैठ है, उन्हें समाज के लोगों से मिलने के लिए भेजा। कुछ घंटों तक चली मीटिंग के बाद संगठन की ओर से एक वादा किया गया कि आप हमारे कैंडिडेट का सपोर्ट करें, समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस वादे के बाद हालात बदलने लगे। साहू समाज ने तय किया कि अब बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। वादे के बाद साहू समाज ने तय किया कि पूरे प्रदेश में साहू वोटर भाजपा का साथ देंगे। इसे ऐसे समझिए कि साहू समाज ने अपने समाज के उन नेताओं को भी नहीं जिताया जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस ने दुर्ग से राजेंद्र साहू, महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया था। ये दोनों हार गए। दोनों ही नेताओं के सामने भाजपा ने गैर साहू को उतारा, मगर वो जीत गए। तोखन साहू ने किसान नेता और सरपंच के रूप में अपना सियासी सफर की शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज के लोगों की है। इनकी संख्या 30,05,661 है। इसका खुलासा भूपेश कार्यकाल में बनवाई गई क्वांटिफायबल डेटा लीक से हुआ है, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक 1,25,07,169 हेड काउंट में सबसे बड़ा OBC वर्ग है। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं तिरंगा। जिस वक्त हम बिलासपुर लोकसभा के सांसद और मंत्री जी से बात करके आइए जानते हैं। सर, आप बिलासपुर लोकसभा से आजादी के बाद पहली बार मंत्री बने, आपको कैसा लग रहा है और बिलासपुर के लिए क्या विकास हो रहा है? देखिए, मेरे लिए भी, बिलासपुर के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि पहली बार आजादी के बाद बिलासपुर संसदीय सीट से यहाँ की जनता का सम्मान करते हुए, यहाँ के मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है ही है, मेरे परिवार के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी गौरव की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सर, हमने आपका इंटरव्यू इससे पहले भी लिया था और हम जब आप मंत्री बनने से पहले आपको एक बात कही थी कि आप मंत्री बनोगे,
तो हमारे चैनल के लिए एक दो शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा था और आपकी बात लग गई। लग गई तो सर आप एक बलौदा में जो कांड हुआ अग्नि का उसके बारे में दो शब्द बता दीजिए। हम सब लोग बाबा जी हमारे आदर्श हैं। बाबा जी ने शांति और समरसता का संदेश दिया, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे भारत देश के लिए हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं। हम सबको उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।